प्रत्येकाने एक एक पीस उचला असा ड्राई इंग्रेडिएंट्स आधी सीव करणार आणि मग वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करणार हे दोन सेपरेट बाउल मध्ये आणि नंतर ते एका डिरेक्शन मध्ये पहिला आपण काय करणार फक्त ह्याच्यामध्ये त्यांनी सगळे स्पोर्ट साहित्य सांगितले पण आपल्याला ह्याच्यामध्ये साखर पिठी साखर आणि आमूल बटर हे दोन्ही चमच्याने जस्ट मिक्स करून घ्यायचं आमूल बटर और पिठी साखर दोनों से चमचे मिक्स करके देना है सिंपल मेथड है लिक्विड बेस अलग रहेगा ड्राई बेस अलग रहेगा खाली पिठी साखर जो है भूल जाएगी इसलिए लिक्विड में डालना है और फिर बाद में आपको जो मैदा वगैरह है मिल्क पाउडर वो उसमें मिक्स करना है समझते हैं आप साखर और आमूल बटर छोटी साखर मिक्स करून घेतली आहे नंतर त्याच्यामध्ये जे मैदा बेकिंग पावडर मिल्क पावडर सोडा ते सगळं त्याच्यामध्ये टाकायचं आणि शेवटी दूध टाकून हे सगळं आपल्याला चमच्याने करायचं आहे आपल्याला काही बिटरची वगैरे काही गरज नाही नंतर मग केक टिनला ग्रीस करायचं ते बटर लावून आणि वरती थोडासा मैदा डस्ट करायचा ग्रीसिंगचा प्रकार माहितीये ग्रीसिंग कसं करतात माहितीये का तर तुम्ही ऑइलिंग करून घ्या पूर्ण त्यानंतर मैदा त्याच्यात टाकून ड्राई तो हे करायचा सॅलिनियनची भाजी आणि रिंग असते मटर भाजी ही बघते आपण ना भाजी वगैरे करून स्टॅन्डवर ठेवतो ते स्टॅन्ड त्यापैकी तुम्ही काही वापरू शकता ॲल्युमिनियमचं पातेलं घ्यायचं त्याच्यामध्ये ती रिंग ठेवायची आणि त्याच्यामध्ये हा केक तीन ठेवायचा आणि मीडियम गॅसवर 20 ते 25 मिनिट केक बेक करायचा बाजार में क्रश इजीली अवेलेबल है।
तो बाजार में दो टाइप्स के प्रीमिक्स आते हैं, एक वैनिला और एक चॉकलेट। अभी वैनिला स्पॉन्ज कैसा बनाना है उसका मेथड निकलो आप। वैनिला स्पॉन्ज केक, 2 कप वैनिला प्रीमिक्स प्लस उसके आधा हमें पानी चाहिए, तो कितना पानी लगेगा हमें? अभी 1 कप आटा लिया तो हमें 1 टेबलस्पून यानी 15 ml ऑयल चाहिए। 1 कप के लिए हमें 1 टेबलस्पून, 2 कप के लिए हमें कितना लगेगा? 2 टेबलस्पून। और ऑयल सिर्फ सनफ्लावर ही चाहिए, जिसको स्मेल आता है सोयाबीन या मूंगफली वो नहीं चाहिए, या आप बटर मेल्ट करके ले सकते हो। ये देखो, 2 कप प्रीमिक्स, 1 कप पानी, 2 टेबलस्पून ऑयल। अभी प्रोसेस लिखो, पतीले में प्रीमिक्स ले लो, पानी ऐड करो। पतीला है, इसमें मैंने प्रीमिक्स लिया, पानी ऐड किया, फिर फिल्टर से हमें 2 से 3 मिनट बीट करना है। लास्ट में हम ऑयल ऐड करेंगे। ये प्रोसेस होने वाली है अभी हमारी। फिर उसके बाद ये टीन एक केक का, ये जो है ये 6 इंच का है, यानी इंचेस बोलते हैं इसे। इसमें 1/2 kg का केक डेकोरेशन करके हो जाता है। ये 7 इंच का है और इससे थोड़ा बड़ा आता है वो 8 इंच का, उसमें 1 किलो का केक हो जाएगा, इसमें 750 ग्राम का हो जाएगा। स्क्वायर में भी आते हैं, ओवल शेप आते हैं, आपको जो चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। हो गए। फिर उसके बाद इस टीन को ऑयल लगाना है, टीन को ग्रीसिंग करो। ये पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर आता है, ये बटर पेपर की जो पट्टी रहती है वो ऐसे रखने की, इसके ऊपर ये टीन रखने का, फिर इससे मार्किंग करने का और कट करने का। समझ में आया आपको? बटर पेपर कैसे कट करके लेना है? साइड से चाहिए तो आप साइड से भी लगा सकते हो, पर मैंने साइड से नहीं लगाया है, ऐसा ही मैंने किया है। फिर उसमें बैटर ऐड करो, बैटर नीचे बैटर डाल दो, जो बनाया ना हमने बैटर डाल दो। बटर पेपर डालने के बाद भी ग्रीसिंग करने का? पहले ग्रीसिंग करने का, फिर बटर पेपर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है। मटकी के नीचे रिंग रहती है, रिंग हम लेने वाले हैं, इसलिए अंदर रखेंगे। Thank you.
Thank you.
पानी में बचा के रखेंगे, वापस हम चेक करेंगे कैसा कैसा होता है। सपोज हम ऐसे ही डाला, सपोज वो पतला हो गया तो वापस हमें वो मिक्सर को थोड़ा ऐसा ही नीचे बैठता शक्ल तो फिर लिफ्ट सज गया। कारण तुम्हें केक करूँ सकता पर मिक्सर खराब होना क्वालिटी चांगली घ्यायची। थोडे पैसे तुझे इन्व्हेस्ट होतील पण काय सोडतील। Thank you.
व्हिपिंग क्रीम घेता है पूरा वो आइस जो क्रीम है उसका जो मॉइस्चर है पूरा सोक कर लेता है।
स्पॉन्ज में और फिर ऊपर की क्रीम हमारे क्रैक होने लगती है। तो ये रीजन रहता है। अगर ये अगर पूरा आप सोक कर देंगे पहले सिरपिंग से, जो शुगर सिरप रहता है या इसका जो ले रहे हैं हम लोग क्रश का, वो पहले और पूरा फिर से ये करना जरूरी है ना। अदरवाइज आपका ये ड्राई रहता है तो आपके आइसिंग जो करते हैं वो आइसिंग पूरी क्रैक हो जाएगी, क्योंकि इसका मॉइस्चर इसमें चला जाएगा पूरा। इसलिए छोटे छोटे टिप्स ध्यान में रखना जरूरी है। अभी मैंने ब्लूबेरी का क्रश लिया, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, अभी ये लिक्विड हो गए, अभी इसके केक के ऊपर हम इसे स्प्रेड करेंगे। मेरे पास स्ट्रॉबेरी नहीं था, मैं तो जनरली स्ट्रॉबेरी पाइन एप्पल कीवी ऑरेंज इस तरह के फ्लेवर यूज करते हैं। आणि क्रश नसला तर मॅडम फक्त साखरेच्या पाण्याने करायचं, साखरेच्या पाण्याने चव वगैरे नाही ना तुम्हाला केकच्या फळाची। माझे काय करतात, साखरेच्या पाण्याने केलं तर इसे ऑप्शन असतं, तुम्ही त्यात ड्रॉप टाकाल ना तिथले वगैरे, पण हे जास्त टेस्ट आहे। पातेल्यामध्ये केलेलं टेस्ट टेक्स्चर दिसला तुम्हाला कसं झालेलं आहे ते बघा। म्हणजे ओव्हनच पाहिजे असं काही नाही, तुम्ही हा पातेल्यात पण सेम तसा हा केला तसा करू शकता। थोडस हे का करावं लागेल, थोडं पातळी नाही नको थोडस घ्या किती
25 मिनट्स माइक्रो प्लस कन्वेक्शन कन्वेक्शन दो ही आते हैं माइक्रो कन्वेक्शन ना 180 डिग्री आया बराबर है 25 मिनट और हम दाबना 25 मिनट्स बस हां आणि ते स्टार्ट करून दे ठीक आहे स्टार्ट क्विक 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 स्टार्ट बस फ्रीजर में रखो एक 10 मिनट के लिए फिर बाहर निकालो ये क्रीम थोड़ा थिक हो जाएंगी उसके बाद आप ये करेंगे तो ये मिक्स नहीं होगा उसमें तो फिनिशिंग लास्ट में आती है तो हम लोग अभी डायरेक्ट इसके ऊपर आइसिंग करेंगे एक्चुअली डेमो में जो बेसिक सिखाया जाता है उसके अलावा भी आपको एडवांस मिल रहे हैं आज सीखने को या पर न्यूट्रल जेल है जितने भी आजकल केक देख रहे हैं ज़्यादा ग्लेज रहता है उसको ये न्यूट्रल जेल रहता है इसमें हर एक फ्लेवर के अनुसार कलर मिक्स किया जाता है अभी जैसे इसमें ये है तो इसमें पर्पल जाएगा अभी तो पर्पल मैडम शायद लाया नहीं अभी ये थोड़ा गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है क्योंकि वो स्प्रेड हो जाएगा लेकिन ये कब करना है जब फ्रीजर से बाहर निकलने वाले अभी इसको मेरे को बहुत लाइटली ये करना पड़ेगा 15 है सिंगल ले रहे हैं सिंगल ले रहे हैं कोई भी आर्ट है ना अपना वेस्ट नहीं जाना चाहिए मैं ये काफ़ी साल से केक के क्लासेस लेती थी और लॉकडाउन में फुल टू में फेमस हो गई थी केक की वजह से लॉकडाउन में केक का सबका ही चल रहा था लेकिन मेरे सोसाइटी में मैंने काफ़ी सारे केक सेल किए यहाँ पर भी आते थे चुपके से ब्रिज का ही अंतर है खाली इसको कुछ पर्टिकुलर टेस्ट नहीं रहती है जब ये केक के साथ खाया जाता है तो मिक्स होता है देखो पहला ठीक था अभी हमने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया आप डायरेक्टली इसमें एक सिंगल कलर भी कोई भी यूज कर सकते हो नहीं अभी हम तीन कलर ऐड करेंगे एक कलर का तो प्लेन हो जाएगा ना तो हम तीन कलर का दिखाएंगे इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या टिप्स दे सके वो कोशिश चल रही है अपनी इसको काफी लाइटली आपको ये करना है भी आप शेड डाल दीजिए अपने हिसाब से अपने पास तीन थे एक बट्टे डाले यहाँ पर मैंने खाली शेड्स घुमा रहे हुए थोड़ा थोड़ा ड्रॉप टक बेसिक टेक्निक है खाली क्या क्या यूज किया जाता है क्या क्या मटेरियल रहता है ये पूरा आप साइड में भी कर सकते हो यू वांट टू बी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसके ऊपर एक भी कर दूंगी मैं आपको एक
जेल से ना न्यूट्रल जेल हाँ यूट्यूब वाले आता ज्या पद्धतीने आपण तो केक केला होता त्याच्यामध्ये व्हाईट जो बेस आहे हिंदी सांगते व्हाईट जो बेस आहे उसमें हर कोई फ्लेवर बन सकती है लेकिन चॉकलेट बेस में ब्लैक फॉरेस्ट और चॉकलेट यही दो बनेंगे। इसके लिए जो सिरपिंग होता है वो सेपरेट खाली शुगर सिरप का ही होता है प्लेन, जैसे मैडम ने बताया रहेंगे आपको एक कटोरी अगर आप शुगर लेते हैं तो दो या तीन कटोरी पानी उसको एक उबाल आने देना है, थोड़ा बॉइल आने के बाद उसको करना है, वो ठंडा होने के बाद अभी प्लेन वाटर हम लोग डालेंगे और उसके बाद आइसिंग करेंगे। मैडम से बर्थडे आज सुरुचि कुकिंग क्लास से शारदा जगता मैडम ऑलरेडी ये 25 साल से यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन हमें ऑलर पूर्णा में काम करना है तो हर एक जगह पर अपने नियमन रहेंगे। जैसे अभी केक का है माधव नाम आशा ही रहेगा खाऊन पण बघायचं हो असं आयसिंगला काय काय सिलेक्शन ओव्हर ते जेल ओव्हर आणि शुगर सिरप कसं बनवायचं एक कप पाणी आणि अर्धा कप साखर हे टाकून थोडी आधी की गॅस बंद करायचा जसं गुलाब जामचं पाक वगैरे कसं तसं ते झालं फक्त हे चॉकलेटच्या केक साठी आपल्याला चॉकलेट मध्ये आपण दूधचे ब्रश वापरतो हे सगळे साहित्य प्रिंटच घ्यायचं ना कलर वगैरे बाहेर घालून जेल जेल पण बाहेर आणि ब्रश पण बाहेर घालून फक्त जी फ्रेश क्रीम आहे ती तुमचं काम झालं की लगेच फ्रिजर मध्ये येईल आणि सगळं हे तुमचं क्रीम शिल्लक राहिलं परफेक्ट कटिंग सगळ्यांना आम्हाला बरं वाटायला
जाएंगे, अलग अलग डिजाइन बनेंगी। एक्चुअली टर्न टेबल ते केक बोर्ड नसल्यामुळं मला क्रिएटिव्हिटीवर डिझायनिंग करतो बरोबर, तरी सुद्धा सोप्यात सोपं कसं डिझायनिंग करता येईल आहे इथं तू समज नाही घर वालों को भी, आपको भी रहेगा कि मेरे को भी आता है। काय होतं, डिझायनिंग हा पार्ट आहे ना आपल्या याच्यावर आहे, आपण काय डिझाईन केक हा बेसिकच कोर्स आहे आपला, आणि असं नाही की बेसिक कोर्स मॅडमनी गुलाबाचं फुल दाखवायचं होतं तुम्हाला, पण ते रोज पेटल असते छोटं, ते आणलं नाही, पण मी प्रयत्न करते, छोटी वाटी काही असत त्यासाठी टर्न करायला लगेच बरं पडतं आपल्या याच्यामध्ये फ्लावर्स बनवताना सुरुवातीला जे क्रीम आहे ती एकदम घट्ट हवी, अदरवाईज ते कूल किंवा शेप ते टिकून राहत नाही व्यवस्थित, आणि क्रीम थोडीशी झालेली मिळेल त्याला असं छत्री सारखं एक गोल असतो, किती जणांना माहिती
फ्लावर नेल म्हणतात त्याला, ते फिरवायला ते सोपं जातं. मॅडम विसरलं पण मी नाही असं करून करतात असं काही नाही. खाली घे ना आपण करूयात ऍडव्हान्स क्लास नंतर अरेंज करता आलं तर करूया. ज्या ज्या इंटरेस्टेड असेल ते करू आपण नंतर. फक्त एवढंच आहे, मेंबर्स झाल्यानंतर तुम्हाला 50% डिस्काउंट प्रत्येक गोष्टीत असतो. आणि काही क्लास असे आहेत तर ते फक्त 10% आहेत. जसं आता परफ्यूमचं बाहेर तुम्ही जर पाहिलं तर त्याला 500 रुपये फी आहेच आहे, पण आपण फक्त 50 रुपये ठेवलं सोमवारी. किती जणांनी नावं दिलीत परफ्यूमसाठी? हे पावडर स्प्रे मिळतात, कलर पावडर स्प्रे ऐसे मिलते हैं मार्केट में, इसमें काफी सारे कलर मिलते हैं. कलर टाकून डायरेक्ट कलर से करू शकतो. जरा शेड मध्ये दिसतो ना. हां ये वैसे इतना ये नहीं आया उसको. ठीक है, क्रीम पर आता टेंपरेचर बराच वेळ झाला ना, एक तास होऊन गेला क्रीम घेतलेली. फूलमध्ये पण वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲक्च्युली ही फिनिशिंग नाही आ रहा इसमें. हां लेकिन इसमें बंद कली वगैरह ऐसे काफी अच्छे अच्छे छोटे छोटे जैसे बटन रोज वगैरह है वो भी है. डॉल के फोटोशूट के चॉकलेट मागच्या वर्षी मॅडमच्या मिस्टरांचा मुलाचा एका दिवशी वाढदिवस असतो, त्यावेळी दोन तबले बनवले होते. म्हणजे असे थीमनुसार पण आपण करू शकतो. हा झाला, ह्याच्यानंतर मग तुम्ही पानं वगैरे डेकोरेशन असं करू शकता. आवडलं तुम्हाला आपण इथंच घेत जाऊ जे काय असेल, कारण मलाही जवळ पडेल प्रत्येक वेळ मी नसेल. पण त्याची कॉस्टिंग जर काढली तर तुमचा 140-150 रुपये किलो तयार.